हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के लेटेस्ट लाइव स्ट्रीमिंग में। माय सेल्फ रेनू गहलोत। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग 12th क्लास की बायोलॉजी का हम लोगों ने जो बोर्ड 2025 है, आपका बोर्ड 2025 है, उसके लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी है। आज आपकी क्लास 2 है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। अब एक बार फटाफट से बेटा जी, आप सभी लोग मुझे बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है, यस और नो? मतलब मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, वीडियो पूरा क्लियर दिख रहा है? एक बार चैट सेक्शन में फटाफट बताएंगे, उसके बाद हम हमारी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, एक बार चैट सेक्शन में फटाफट बता दो, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज परफेक्ट, यस और नो? अच्छा, कल का वो तो अपलोड हो जाएगा, सो डोंट वरी, परेशान मत हो, ठीक है? वेरी गुड इवनिंग, ओके, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। तो देखो, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग की 2 से 4 क्लास जो है आपकी बिल्कुल बेसिक्स की होगी, उसमें अपन वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हमारी यूनिट फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये हम बेसिक्स की क्लास नहीं पढ़ेंगे तो यूनिट फर्स्ट जो हमारी है उसमें हमको बहुत प्रॉब्लम आएगी। दैट्स वाई वी हैव डिस्कस अबाउट ये, है ना? आज की क्लास को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी लोगों को देना चाहूंगी, ठीक है? ये हमारा चैनल्स है, लाइक ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इन तीनों ही चैनल्स पे आपको एसएल से जुड़े हुए सारे अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को आपको, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है और जो सारी मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, तो जिसने भी इन पे ज्वाइन नहीं कर रखा है, फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, लाइक लिखा हुआ है व्हाट्सएप लिंक, उसके नीचे लिखा लिंक है व्हाट्सएप का, लिंक पे क्लिक करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाएंगे। वापस बता रही हूं, जिसने ज्वाइन नहीं कर रखा है फटाफट ज्वाइन कर लो। आगे आने वाले टाइम में यहां पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन प्रोवाइड होंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए, आपके एम, जो आपका एम है 100 out of 100 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। अब बारी आती है ये हमारी एप्लीकेशन की। तो ये है हमारी एप्लीकेशन आशीष सिंह लेक्चर प्रो नाम से। तो जिसने भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर रखा है फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, उसमें लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी बैच के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी हो तो डिस्प्ले पे ही नीचे नंबर शो हो रहे हैं, नहीं तो ये ऊपर नंबर शो हो रहे हैं, हमारी कॉलिंग टीम को आप कॉल करो, वो आपको हर बैच के बारे में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि आपको हमारे कौन से बैच में कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलती है, क्या क्या प्रोवाइड कराया जाता है, सब कुछ, ठीक है? चलो जी तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। बेसिक्स वाली क्लास चल रही है हमारी और आज हमारा लेक्चर 2 है, एंड आई होप जो हमारा लेक्चर 1 है वो मोस्ट ऑफ द बच्चों को क्लियर होगा। वैसे तो मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े थे तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को बेसिक्स क्लियर ही थे, ठीक है? मतलब क्लियर हो गए थे क्लास में। अब एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगी, फटाफट चैट सेक्शन में एक बार हैशटैग जिद का टाइप कर दो, फटाफट चैट सेक्शन में एक बार हैशटैग जिद का टाइप कर दो, फिर हम हमारे आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हमारी जिद है, क्या जिद है? 100 out of 100 लाने की। और बेटा एक बात बताऊं, ये बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने का, ये जो अभी टाइम है गोल्डन पीरियड है, बेस्ट टाइम है आपकी पढ़ाई को स्टार्ट करने का बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है? और सच बता रही हूं, जो बच्चा अभी स्टार्ट करेगा उसको आगे जाके बहुत लाइफ में फायदा होने वाला है, ठीक है? लाइफ में फायदा होने वाला है, मतलब उसका 12th बहुत अच्छे से हो जाएगा, फिर 12th अगर एक बार 12th अच्छे से हो गया ना, तो 12th के बाद उसका जो भी एम है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मेहनत करने की आदत लग जाएगी। जब वो एक बार साल भर कंसिस्टेंसी के साथ में काम करेगा तो आगे उस बच्चे का फ्यूचर ब्राइट ही है, ठीक है? चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं कि अपन ने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज जनन रिप्रोडक्शन,
एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जनन रिप्रोडक्शन, और मैंने ये इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि भाई अगर हम ये क्लासेस नहीं लेंगे बेसिक्स की, तो हमको जो आपका चैप्टर नंबर 1 है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, चैप्टर नंबर 2 है मानव जनन, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो याद रखना ये चीज। चलो जी, तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। जनन के लिए मैंने क्या बताया था, जनन क्या होता है। जनन एक प्रक्रिया होती है जिसमें जीव अपने ही समान, जैसे कौवे ने एक कौवे को जन्म दिया, ठीक है, डॉग ने एक डॉग को जन्म दिया, ठीक है, बिल्ली ने एक बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया। तो जब जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है, जब जीव अपने ही समान संतति उत्पन्न करता है, दैट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन, जनन। अब जनन क्यों आवश्यक है, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन आपका आवश्यक होता है। उसके बाद में मैंने बताया जनन दो प्रकार का होता है, किस आधार पर, क्या बताया मैंने, मैंने बताया जनन दो प्रकार का होता है, किस आधार पर, जनकों के आधार पर। कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में आपके कितने जनक की आवश्यकता होती है, दो जनकों की आवश्यकता होती है, और वहीं अलैंगिक जनन में एक जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद में हमने ये डिफरेंस देखा था कि अलैंगिक जनन में आपका एक ही जनक नई संतति बना देगा, जैसे अमीबा का एग्जाम्पल दिया था। वहीं लैंगिक जनन में मैंने क्या बताया था, दो जनक की आवश्यकता होती है। अब इस दो जनक में क्या होता है, एक तो आपका नर होता है और एक आपका मादा होता है, एक तो आपका नर होता है और एक मादा होता है। दूसरा, अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण नहीं होता है, वही यहां पर युग्मक निर्माण होता है। नर ने नर युग्मक बनाया, मादा ने मादा युग्मक बनाया। उसके बाद में अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बने तो निषेचन भी नहीं होगा, और निषेचन नहीं हुआ तो युग्मनज का निर्माण भी नहीं होगा, परंतु यहां पर युग्मक बने हैं तो निषेचन भी होगा और युग्मनज का निर्माण भी होगा। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलैंगिक जनन जो है आपका, अलैंगिक जनन में जो संतति बनती है वो अपने जनक के पूर्ण रूप से समान होती है, क्योंकि वो उसकी कॉपी ही तो होती है। परंतु लैंगिक जनन में जो संतति होती है अपने जनक से भिन्न होती है, क्यों, क्योंकि उसमें आधे लक्षण उसके पिता के हैं, आधे लक्षण उसकी माता के हैं। देखोगे आप किसी भी बच्चे के बालों का कलर अगर उसके पापा को गया है तो स्किन का कलर उसकी मम्मी को गया है, ठीक है, या फिर बालों और स्किन का कलर पापा को गया है तो आंखों का कलर मम्मी को गया है। ठीक है, तो पूरे जनक के समान नहीं होते हैं, इतना अपन लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था। अब आज का हमारा मेन टॉपिक है अलैंगिक जनन को स्टार्ट करना। करो स्टार्ट, एक बार चैट सेक्शन में थम्स अप का साइन दे दो सभी लोग, ठीक है, फिर हम हमारा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलैंगिक वाला जनन जो वाला टॉपिक है अपन दो लेक्चर में कवर अप करेंगे, आज और कल। ठीक है, फिर परसों अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज लैंगिक जनन। ठीक है, कार्तिक सिंह क्या क्वेश्चन है बेटा, बेटा देखो ना क्वेश्चन को थोड़ा सही लिखो, मुझे समझ में नहीं आ रहा एक्चुअल में आपने लिखा क्या है, है ना, थोड़ा सा इसको सही लिख दो एक बार, ताकि मैं बता सकूं कि आखिर आंसर क्या है। बिल्कुल, इंग्लिश हिंदी सब कुछ यूज करेंगे, ठीक है, नहीं तो देखो अगर मुझे देखो यहाँ पर हिंदी के साथ इंग्लिश वर्ड भी लिखा है। देखो एक चीज, एक और बात बताती हूँ, जनरली पता है हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं हिंदी मीडियम में हूँ तो मुझे हिंदी ही पढ़ना चाहिए, नहीं, आपको इंग्लिश भी पढ़ना चाहिए। अब जनरली कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार इंग्लिश पढ़ना बहुत टफ है, ठीक है, हम हिंदी मीडियम के हैं हम इंग्लिश नहीं कर पाएंगे, हमसे हो ही नहीं पाएगा। ये एक गलत थॉट है जो उनके माइंड में, मतलब उनके आसपास कुछ ऐसा होता है जिससे कि ये चीज़ उनके माइंड में फिट हो जाती है और फिर वो इंग्लिश से दूर भागने लग जाते हैं। ठीक है, एक बात बताऊं मैं आपको, हिंदी मीडियम का बच्चा ऐसा बच्चा है जो हिंदी में भी पढ़ सकता है और इंग्लिश में भी पढ़ सकता है। ठीक है, वही अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों को बोलो ना कि तुम हिंदी में पढ़ो, वो नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो अपने आप को कम मत समझो, अपने आप को, बेटा देखो मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं जिन्होंने 11th 12th हिंदी में पढ़ा है,
नीट की तैयारी वो इंग्लिश में कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और सेलेक्ट भी होते हैं, सेलेक्ट भी होते हैं वो बच्चे, ठीक है। तो एक चीज और अपने माइंड में फिट बैठा लो कि जितनी बार हम हिंदी नाम को पढ़ेंगे उतनी बार इंग्लिश नाम को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हिंदी लिखा है वैसे ही इंग्लिश लिखा है, ऐसे नहीं कि अपन नोट्स बनाने बैठे अपन ने हिंदी हिंदी लिख लिया इंग्लिश नहीं लिखेंगे, नहीं, ये चीज कभी नहीं करनी है। क्या करोगे, पहली बात तो मैंने आपको बोला है कि भाई क्लास में आओगे तो कॉपी और पेन लेके आओगे, एंड आई होप आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके आए हैं, ठीक है। अब जो जितनी मतलब जितनी बार हिंदी नाम को पढ़ोगे ना उतनी बार इंग्लिश नाम को पढ़ना है, अपने आप याद हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा सेशन के एंड में आप खुद बोलोगे कि मैम इंग्लिश से पढ़ना ज्यादा इजी है, ठीक है। चलो जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अलैंगिक जनन बिना किसी देरी के। देखो अलैंगिक जनन, ऐसा जनन जिसमें क्या होता है, एकल जीव द्वारा, या फिर आप बोल सकते हो एक जनक द्वारा। अलैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें एकल जीव द्वारा या फिर एक जनक द्वारा अपने समान नहीं संतति, जब कोई एकल जीव एक सिंगल जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है तो उसे आप क्या बोलोगे, अलैंगिक जनन बोलोगे। एक अकेले सिंगल पेरेंट ने, एक अकेला जीव है, उसने अपने समान अपने सिमिलर नई संतति को उत्पन्न कर दिया है, दैट्स कॉल्ड अलैंगिक जनन, ठीक है। ये क्या है आपका, अलैंगिक जनन है। अब एक चीज देखो, अलैंगिक जनन जो है आपका, अलैंगिक जनन में जो जीव बनते हैं वो आकारिकी व आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। अब एक टर्म आती है, उस टर्म को समझने से पहले कल अपन ने ये डायग्राम के थ्रू समझा था, क्या बताया था मैंने आपको है ना, क्या बताया था, ये अमीबा है, इस अमीबा के अंदर क्या हुआ, इस अमीबा में सबसे पहले केंद्रक विभाजन हुआ, दो केंद्रक बन गए, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ तो दो कोशिका बन गई, ठीक है। तो इसको अपन ने क्या बोला है, ये आपका क्या है, एक अलैंगिक जनन है जिसमें एक अकेले जीव ने अपने समान नई संतति को उत्पन्न कर दिया है। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो याद रखना जो आपका अलैंगिक जनन है जनरली एकल कोशिकीय जीवों में होता है, एकल कोशिकीय जीवों में, उसमें भी आपके कौन आएंगे, मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत के जीव, मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत के जीव। तो अलैंगिक जनन जो होता है एकल कोशिकीय जीवों में होता है, एकल कोशिकीय जीव कौन से होते हैं, मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं जैसे कि जीवाणु वगैरह, और जो प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं ये आपके एकल कोशिकीय जीव होते हैं। उसके बाद में किस में होता है, पादपों में। अब एक चीज याद रखना, पादपों में अगर जनन कहां से हो रहा है, पादप में अगर जनन जड़ तना और पत्ती से हो रहा है, पादप में अगर जनन जड़ तना पत्ती से हो रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, पादप में कौन सा जनन हो रहा है, अलैंगिक जनन। पादप में कौन सा जनन हो रहा है, अलैंगिक जनन। वहीं नोट करके एक चीज आप लोग लिखेंगे कि अगर पादप में, अगर जो आपका पादप है, पादप में अगर पुष्प के द्वारा, फ्लावर के द्वारा, पुष्प के द्वारा जनन होता है तो उसको आप क्या बोलोगे कि पादप में लैंगिक जनन है। देखो बेटा एक चीज याद रखना, पादप में आपका लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। अब अगर पादप जो है जनन कहां से कर रहा है, जड़ से कर रहा है, तने से कर रहा है, पत्ती से कर रहा है, अगर पादप जनन जड़ तना पत्ती से कर रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे कि पादप में अलैंगिक जनन हो रहा है। वहीं अगर पादप ने जनन किसके द्वारा किया, पुष्प के द्वारा किया, तो अपन क्या बोल देंगे कि पादप में लैंगिक जनन हो रहा है।
वहीं जंतुओं की बात करते हैं तो जो आपके निम्न श्रेणी के जंतु हैं, निम्न श्रेणी के जंतु में आपका अलैंगिक जनन होता है। निम्न श्रेणी के जंतु में कुछ अकशेरुकी जीव आते हैं जिनके अंदर आपका अलैंगिक जनन होता है। तो याद रखो, अलैंगिक जनन क्या होता है? जब एकल जीव, एक सिंगल पेरेंट अपने समान नई संतति को उत्पन्न कर देता है। किसमें होता है? मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत के जीवों में। ये क्या हुआ? रुको एक सेकंड, मिट गया ये थोड़ा सा, उसको लिख दूं मैं वापस। लैंगिक जनन कहलाता है और इसमें अपन लिखेंगे निम्न श्रेणी के, निम्न श्रेणी के जंतु में, निम्न श्रेणी के जंतुओं में। अब एक चीज और याद रखना, अलैंगिक जनन जो होता है किसके द्वारा होता है? समसूत्री विभाजन के द्वारा। अब समसूत्री विभाजन कैसा विभाजन है? जिसमें एक कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाएगी और गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। मतलब अगर यहां पर 46 क्रोमोसोम है तो यहां पर भी 46 क्रोमोसोम ही होंगे। जनक कोशिका से पूर्ण रूप से समान होगी आपकी संतति कोशिका, मतलब संतति कोशिका पूर्ण रूप से जनक कोशिका के समान होगी। बताओ, अब एक टर्म बार बार बहुत यूज होती है, क्लोन। क्या है ये टर्म? अब क्लोन, ठीक है, कौन सी टर्म की बात कर रहे हैं? प्रिंस राजपूत। क्या हुआ बेटा? काव में लैंगिक जनन होता है, ठीक है। अभी अपन देखो स्टार्ट किया है अपन ने, धीरे 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 अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा, बट काव में तो आपको पता है ना लैंगिक जनन होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्लोन की बात करते हैं। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली बच्चों को पता नहीं होता है कि क्लोन क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो, क्लोन कौन से जनन से बनते हैं? जो आपका अलैंगिक जनन से जो जीव उत्पन्न होते हैं, जो अलैंगिक जनन से, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो याद रखनी है कि भाई अलैंगिक जनन से आपका क्लोन बनता है। तो अलैंगिक जनन से जो जीव बनता है वह जीव, ठीक है। चलो तो इसके लिए पहले अपन ये लिख देते हैं कि भाई क्लोन जो है आपका अलैंगिक जनन से उत्पन्न होता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, ध्यान से सुनो। क्लोन जो है आपका अलैंगिक जनन से उत्पन्न होता है, ठीक है। अब क्लोन होता क्या है? ऐसे जीव जो आकारिकी और आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। अब देखो यहां पर दो टर्म आई है, एक है आकारिकी और एक है आनुवंशिकी। आकारिकी क्या है? बाहर से देखने पर। आकारिकी क्या है? बाहर से देखने पर। तो अगर किसी जीव को आपने देखा बाहर से आपको दोनों सेम दिखाई दिए, और आनुवांशिक रूप से मतलब उनका डीएनए बिल्कुल सिमिलर है। तो अगर कोई जीव आकारिकी मतलब बाहर से देखने पे और आनुवांशिक रूप से मतलब जेनेटिकली बिल्कुल अगर समान है तो उस जीव को आप क्या बोलोगे? क्लोन बोलोगे। अब एक बात करूं कि हमारा जो अलैंगिक जनन है, चलो यही बनाती हूं, अलैंगिक जनन की बात कर लेते हैं। अलैंगिक जनन में मान लो ये एक जीव है, इस जीव ने पहले केंद्रक विभाजन किया,
है ना। इस जीव ने क्या करा, पहले केंद्रक विभाजन किया, इसने दो केंद्रक बनाए, मतलब इस जीव ने अपने केंद्रक की कॉपी बनाई, इस जीव ने अपने केंद्रक की कॉपी बनाई, फिर डिवीजन किया, फिर ये दो नए जीव बन गए। अब अपन क्या, मैं ये बोल सकती हूं ये जो नए जीव बने हैं ये आकारिकी रूप से, मतलब अगर हम इन जीव को बाहर से देखेंगे तो इसके रूप बिल्कुल समान है, और आनुवांशिक रूप से देखेंगे तो भी बिल्कुल समान है। तो ये दोनों जीव जो है अगर आप इनको देखोगे तो आकारिकी रूप से मतलब बाहर से भी और आनुवांशिक रूप से भी समान है। क्यों समान है भाई, कॉपी तो बनी है। तो अपन इनको क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। ठीक है, सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे, जितने बच्चे हैं उतने तो लाइक होने ही चाहिए। 450 से ऊपर बच्चे हैं तो पूरा लाइक तो बनता ही है ना। ठीक है, चलो तो पहले अलैंगिक जनन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अलैंगिक जनन की डेफिनेशन क्या बोल रही है, देखो क्या बोलता है कि इस विधि में एकल जीव, या तो एकल जीव या फिर एकल जनक के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न की जाती है, अर्थात जनन की क्रियाओं में एक सिंगल पेरेंट, एक सिंगल जनक ही भाग लेता है। नेक्स्ट देखो, वह जीव जनन के लिए, जीव जनन के लिए क्या करता है, अपने शरीर के किसी भाग का, अब देखो अलैंगिक जनन में वह जीव अपने शरीर के किसी भी भाग का, किसी भी कोशिका का, कोई विशेष संरचना का उपयोग करता है। ठीक है, परंतु इसमें लैंगिक संलयन नहीं होता है, अर्थात युग्मकों का संलयन नहीं होता है, इसे अपन अलैंगिक जनन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो अलैंगिक जनन किसमें होता है, सामान्य रूप से एकल जीव, जो एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव कौन से हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत के जीव। पादपों में, अब पादपों में मैंने आपको बताया है, पादप में अगर जड़ तना पत्ती से जनन होगा तो आप उसको क्या बोलोगे, अलैंगिक जनन बोलोगे, और अगर पुष्प से जनन हुआ तो उसको अपन लैंगिक जनन बोलेंगे, और जीव में अपेक्षाकृत साधारण जीव, मतलब निम्न श्रेणी के जो जीव हैं उसमें। फिर जीव व एकल कोशिकीय जीव प्रोटिस्टा व मोनेरा में जनक कोशिका में, जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देती है, यही बताया। इन जीवों में समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिका एक जनन की क्रियाविधि होती है, और उच्च श्रेणी के जंतुओं में, उच्च श्रेणी के जंतुओं में अलैंगिक जनन नहीं होता है। उच्च श्रेणी के जंतु है, गाय वगैरह है, कुत्ते वगैरह है, इन सब में लैंगिक जनन होता है, युग्मकों का संलयन होता है, और यहां पर जनन के लिए दो जनकों की आवश्यकता होती है। फिर हमारी ये टर्म आती है क्लोन। क्या बताया था, क्लोन क्या होता है, सबसे पहली बात तो अलैंगिक जनन से ही क्लोन बनते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि लैंगिक जनन से क्लोन बनते हैं क्या, तो आप बोलोगे नहीं, लैंगिक जनन से तो हमारे क्लोन नहीं बनते हैं, हमारे क्लोन बनते हैं अलैंगिक जनन से। ठीक है, तो क्लोन किससे बनते हैं, अलैंगिक जनन से। तो अलैंगिक जनन से बनने वाला जीव आपस में आकारिकी व अनुवांशिक, दो इंपॉर्टेंट टर्म है, से समान होते हैं, अर्थात वह जीव जो आकारिकी व अनुवांशिक रूप से समान होते हैं उसे क्लोन कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। बताओ बताओ बेटा, इतना क्लियर है, फटाफट हम सबका साइन देंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। बताओ अगर क्लियर है तो थम्स अप का साइन देंगे सभी लोग। अच्छी, ट्वेल्थ के लिए बेस्ट बुक आपकी एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी क्लासरूम पीडीएफ, क्लास के नोट्स बनाओ साथ के साथ। देखो एक ही बात बोलना चाहूंगी, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में मैं एक बात बोल दूंगी, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, डेली क्लास अटेंड करो, डेली क्लास में मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ। मैंने नोट्स सारे इस प्रकार प्रिपेयर किए हैं कि अगर आप बोर्ड में लिखोगे ना तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये मैं आपके लिए क्यों लाई हूं, ताकि आप बोर्ड में लिखो तो आपको एज इट इज नंबर मिले। ठीक है, पूरे शानदार तरीके से मैं आपको क्लास में ऐसे ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आप बस ये करो कि भाई रजिस्टर और पेन लेके बैठना है आपको, साथ साथ नोट्स बनाओगे, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं आपको कराऊंगी, बोर्ड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ एक्स वाई जेड मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, एनसीईआरटी है बस, इनफ, सफिशिएंट है। बिल्कुल, चलो स्लो बोलते हैं, ठीक है। और कुछ? बिल्कुल, आशा बैच जल्द स्टार्ट होगा, सो डोंट वरी, परेशान मत हो, बहुत अच्छी प्लानिंग की है आशा बैच के लिए। सभी लोग क्लास को फटाफट लाइक करेंगे, जितने बच्चे हैं उतने लाइक तो होने ही चाहिए, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं जो पता है, मैं दोबारा इसलिए लिखती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। मुझे रीड नहीं कराना है, ये मैं आपके लिए लाती हूँ ताकि आप अच्छे से नोट्स बना लो इनके, ठीक है। बाकी जो मैं लिखती हूँ सेम एज इट इज ही लिखती हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, बाकी तो मोस्ट ऑफ द सेम ही होता है। बस मैं लिखती इसलिए हूँ क्योंकि मैं अगर लिख के आपको पढ़ाऊंगी ना तो आपका थोड़ा सा कैचिंग पावर अच्छा होगा, ठीक है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं अब हम अलैंगिक जनन के प्रकार। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अलैंगिक जनन के प्रकार। देखो बेटा, अलैंगिक जनन के प्रकार बहुत सारे हैं, ध्यान से सुनो, अलैंगिक जनन के प्रकार बहुत सारे हैं। हम वही पढ़ेंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वही टर्म्स की बात करूंगी जो आपके एग्जाम में कभी ना कहीं रिलेट की गई है, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा में अपन नहीं जाएंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन के प्रकार की। तो देखो, सबसे पहले है विखंडन, जिसको अपन ने बोला है इंग्लिश में फिजन। एक बात मैं वापस रिपीट करना चाहूंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों आपको लिखना है, ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ हिंदी लिखना है, नहीं, हिंदी भी लिखना है और इंग्लिश भी लिखना है, अपने आप को अभी से परफेक्ट बनाते चलो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला टाइप होता है विखंडन, सेकंड आता है मुकुलन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बडिंग भी बोलते हैं, थर्ड आता है बीजाणु के द्वारा, स्पोर्ट्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, फोर्थ आता है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, आपने छिपकली देखी होगी, चलो आप बताना, आपने छिपकली देखी होगी तो आपने मोस्ट ऑफ द टाइम छिपकली देखी होगी तो छिपकली की पूंछ कटी हुई रहती है और कुछ दिन बाद में उस छिपकली की नई पूंछ आ जाती है, ठीक है। तो पुनरुद्भवन में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, वो बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद में फिर अपन पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन जनन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब इसके लिए एक चीज लिख लो, ये क्या है आपका, अगर हमने पादपों के अंदर अलैंगिक जनन करवाया, अगर पादपों में अलैंगिक जनन हो रहा है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। चलो इधर नोट करके कहीं लिख लेते हैं, ठीक है, चलो मैं यहीं लिख देती हूं, पादपों में अलैंगिक जनन को हम क्या बोलते हैं, पादपों में होने वाले अलैंगिक पादपों में होने वाले अलैंगिक जनन को हम क्या हुआ, एक सेकेंड, कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कायिक प्रवर्धन मतलब पादपों के अंदर अलैंगिक जनन हो रहा है। अब सबसे पहले अपन विखंडन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं आपको विखंडन के प्रकार बता देती हूं। यहां पर विखंडन दो प्रकार का होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं विखंडन, फिजन। अब देखो, बायो के अंदर एक बात मैं आपको आज बोल रही हूं और जब तक पूरा सिलेबस खत्म होगा ना अपना, तब तक आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है कि बायो के अंदर टॉपिक का जो नाम होता है, जो हेडिंग होती है, उस हेडिंग में ही मीनिंग छुपा होता है। जैसे कि हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विखंडन, फिजन। अब देखो, विखंडन, विखंडन मतलब किसी चीज का टूटना, विखंडित हो जाना। जैसे कि ये पेन है, अगर ये पेन टूट गया तो इसका विखंडन हो जाएगा, क्या मैं बोल सकती हूँ, विखंडन हो गया है। तो विखंडन क्या होता है, ध्यान से सुनो, जब किसी
जीव में किसी भी तल से, तल मतलब एक्सिस से। लाइक मान लो कि अगर ये आपका सर्कल है, मान लो अगर ये आपका सर्कल है, मान लो अगर ये आपका सर्कल है, तो इस सर्कल में जो डिवीजन है आपका, वो इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। ठीक है, तो कि जब किसी जीव में किसी भी तल से, एक्स वाई जेड, कोई सी भी तल से, जब किसी जीव में किसी भी तल से, या दो से अधिक, जब किसी जीव में किसी तल से दो या दो से अधिक खंडों में या फिर भागों में विभक्त होता है, और विभक्त होकर जीव का निर्माण कर लेता है। क्या कर लेता है? नए जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो जब किसी जीव में किसी तल से दो, या तो दो भाग में डिवाइड होगा, या दो से अधिक भागों में विभक्त होता है, और प्रत्येक विभक्त हुआ भाग, प्रत्येक विभक्त जो भाग हुआ है, वो एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, इसको अपन ने बोला है विखंडन। अब विखंडन दो प्रकार का है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। अब एक चीज समझो आप, ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक जीव है, ये एक जीव है, अगर इसने विभाजित होकर दो नए जीव बनाए, दो भागों में विभाजित हुआ, मान लो ये जीव था, ये जीव यहां से विभक्त हो गया और दो नए जीव बना लिए, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? द्विविखंडन। नाम समझो, द्वि मतलब दो, विखंडन मतलब टूटना। तो जब ये जीव दो टुकड़ों में विभाजित हो रहा है और हर एक टुकड़ा नए जीव का निर्माण कर रहा है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? उसे अपन बोलेंगे द्विविखंडन। वहीं अगर ये कोशिका है और ये दो से अधिक टुकड़ों में, मान लो चार टुकड़ों में विभक्त हो गई, और प्रत्येक टुकड़े ने एक नया जीव बना लिया है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? बहुविखंडन। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल की, द्विविखंडन किस में होता है? इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले आता है अमीबा में, जो आपकी अमीबा है, इस अमीबा में अनुकूल परिस्थिति, इस अमीबा में जो अनुकूल परिस्थिति है उसमें आपका द्विविखंडन होता है। फिर आता है युगलीना, और फिर आता है पैरामीशियम। ये एग्जाम्पल आपको अभी ही याद करने हैं। फिर उसके बाद में बहुविखंडन किसमें होता है? अमीबा में। अब आप बोलोगे कि मैडम आपने अभी तो बोला अमीबा में द्विविखंडन हो रहा है, एक अमीबा दो टुकड़ों में विभाजित हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि अमीबा में बहुविखंडन हो रहा है। तो देखो, बहुविखंडन अमीबा में होता है प्रतिकूल परिस्थिति में। पता है इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैम अनुकूल परिस्थिति क्या होती है, प्रतिकूल परिस्थिति क्या होती है? तो ध्यान से सुनो, एक बच्चा है अपने घर में बैठा है, उस घर में मान लो बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है, तो उसके घर में एसी है, आराम से वो एसी चला के बैठा है, उसका मन कर रहा है वो टीवी देख रहा है, उसका मन कर रहा है वो खाना खा रहा है, उसका मन कर रहा है वो सो रहा है, उसका मन कर रहा है वो मोबाइल चला रहा है, तो उसको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारी कंडीशन फेवरेबल है, आरामदायक है, दैट्स कंडीशन कॉल्ड अनुकूल परिस्थिति। ऐसी परिस्थिति जिसमें वो जो जो चीजें उसको चाहिए सब कुछ उसके पास में, जैसे कि बाहर गर्मी पड़ रही है तो उसके पास में एसी है वो एसी चला लेगा, भूख लग रही है तो उसके पास खाना है खाना खा लेगा, बोर हो रहा है तो टीवी देख लेगा, नींद आ रही तो सो जाएगा। वहीं एक दूसरा बच्चा है, वो बाहर गर्मी में खड़ा है, ठीक है, तो उसके पास में उसको गर्मी लग रही है, तो गर्मी पर बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है, ठीक है, भूख लग रही है उस, परंतु उसके पास खाना नहीं है, तो वो कैसी कंडीशन है? प्रतिकूल परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति जिसमें उसका जिंदा रहना मुश्किल है,
ठीक है, उसका सरवाइव करना मुश्किल है। अनुकूल परिस्थिति क्या है कि भाई सारी फैसिलिटीज मिल रही है, एसी मिल गया, कूलर मिल गया, भोजन मिल गया, मोबाइल मिल गया, रिचार्ज मिल गया, सब कुछ मिल गया, खा रहा है, पी रहा है, ऐश कर रहा है। अनुकूल परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति जिसमें उसको जो जो चाहिए उसको सब कुछ मिल रहा है, मजे से जिंदगी काट रहा है वो अपनी। वही प्रतिकूल परिस्थिति क्या है, उसको जिंदा रहने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो उसके पास नहीं है। जैसे कि वो बच्चा बाहर धूप में खड़ा है, गर्मी पड़ रही है, उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है ना, भोजन की उसके पास में कमी है, काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, परेशानी है, उसका जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं, मतलब उसका सर्वाइव करना मुश्किल है। ठीक है, तो अमीबा को जब सारी फैसिलिटीज मिलती है तो वो द्विखंडन करती है मजे से। और वहीं अगर अमीबा को क्या कर दिया, प्रतिकूल परिस्थिति दे दी, ऐसी परिस्थिति जिसमें उसको ना भोजन मिल रहा है, तो उस कंडीशन में वो आपका बहुविखंडन करेगी। देखो बेटा, इग्नोर नहीं कर रही हूं, जब मैं आपसे पूछू ना कि बेटा कोई डाउट हो तभी आप बताया करो अपने डाउट, क्योंकि मैं पढ़ाती रहती हूँ और फिर मैं डाउट नहीं देख पाती हूँ ना, तो आप लोगों को ही बुरा लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगी कि जब मैं पढ़ा रही हूँ तो अब आप उस समय आराम से पढ़ो, टॉपिक खत्म करने के बाद में मैं वापस आपसे हमेशा जरूर पूछती हूँ कि कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, तो उस समय आप अपना डाउट मुझे बताएंगे। ठीक है, तो आ गया समझ में। चलो, विखंडन क्या होता है देख लेते हैं, फिर उसके बाद में द्विविखंडन की बात करते हैं। विखंडन क्या होता है, विखंडन का अर्थ होता है टूटने से। विखंडन का अर्थ क्या होता है, टूटने से, अर्थात जनक कोशिका या तो दो भागों में, ये जनक कोशिका है, या तो ये दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी जिसको द्विविखंडन बोल देंगे, या दो से अधिक, या फिर ये दो से अधिक टुकड़ों में, दो से अधिक समान या फिर बराबर बराबर अमाप की संतति में विभक्त होती है। अब विखंडन दो प्रकार का होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। अब द्विविखंडन में क्या होता है, जीव दो भागों में विभक्त हो जाता है। अब देखो, द्विविखंडन के लिए अपन एक बात देखेंगे, जनरली किसमें होता है, एक कोशिकीय जीवों में होता है। और आपको पता है एक कोशिकीय जीव कैसे होते हैं, अमर होते हैं। द्विविखंडन किसमें होता है, एक कोशिकीय जीवों में होता है, और एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं। इसमें क्या होगा, एक जीव दो बराबर टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, जैसे कि ये आपका अमीबा, ये आपका क्या है, ये आपका है युगली, सॉरी ये आपका अमीबा है, इस अमीबा में ये केंद्रक है। अब अमीबा में क्या होगा, सबसे पहले केंद्रक विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप दो केंद्रक बन जाएंगे। तो पहले क्या हुआ, केंद्रक विभाजन, फिर केंद्रक विभाजित हो गया, उसके बाद में कोशिका द्रव्य में विभाजन होगा, और फिर ये दो पुत्री अमीबाओं का निर्माण कर लेगी। तो ये क्या हुआ, कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ, नहीं हुआ, तो द्विविखंडन ही तो हुआ है। ये देखो डायग्राम, ये मदर अमीबा है, इस मदर अमीबा में सबसे पहले, अब देखो एक चीज याद रखना, अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती, ये चीज याद रखना आप, अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है। ठीक है, ये अमीबा है, केंद्रक विभाजन हुआ, दो केंद्रक बन गए, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ, दो अमीबा बन गई, द्विविखंडन, एक जीव ने विभाजन किया, दो कोशिका बनी, तो द्विविखंडन कहलाएगा।
ठीक है, डेफिनेशन देखो द्विविखंडन की। द्विविखंडन को अपन बोलते हैं बाइनरी फिजन, एकल कोशिकीय जीवों में होता है। किसमें होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और ये जीव प्राय अमर होते हैं। जनक का शरीर दो भागों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक भाग शीघ्रता से वृद्धि कर वयस्क जीव बना लेता है। अमीबा में होता है, युगलिना में होता है, पैरामीशियम में होता है। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, ठीक है, युगलिना के अंदर आपका लंबवत, चलो आगे ही बताऊंगी, चलो ठीक है यहीं लिख लो, युगलिना में लंबवत द्विविखंडन होता है, वहीं पैरामीशियम में कौन सा होता है? आपका अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है, ठीक है। चलो जी, तो अब अपन किसकी बात करते हैं? लंबवत द्विविखंडन की। सबसे पहले मैं बनाती हूं आपका एक युगलिना, ठीक है। ये आपका एक युगलिना है, ठीक है, एक छोटा सा ही होता है, कशाबी का है। ये आपका युगलिना है। देखो बेटा, लंबवत मतलब क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल। जैसे कि मान लो ये कोई जीव है, इस जीव में मैं अगर ऐसे डिवीजन कर रही हूं, अगर इस जीव में विभाजन अगर ऐसे हो रहा है, तो आप उस विभाजन को क्या बोलोगे? लंबवत विभाजन बोलोगे। वहीं अगर किसी जीव में विभाजन कैसे हो रहा है? हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे? अनुप्रस्थ, ठीक है। तो ये दो टर्म आप अपने माइंड में याद रख लो, लंबवत क्या होता है। लंबवत मतलब ऐसे लंबाई के लंबवत तल पर अगर विभाजन ऐसा होगा लॉन्गिट्यूडिनल, तो उसको क्या बोलोगे? लंबवत, ठीक है। और वहीं अगर ऐसा होगा तो आप उसे क्या बोलोगे? अनुप्रस्थ। तो लंबवत द्विविखंडन मतलब कि जीव में लंबवत तल से, मतलब यहां पर विभाजन कैसे होगा? ऐसे होगा। यहां पर विभाजन कैसे होगा आपका? ठीक है, यहां पर आपका जो विभाजन है वो इस तरह से होगा, ठीक है। चलो, तो इसमें विभाजन कैसा होगा? लॉन्गिट्यूडिनल होगा, ठीक है। अब देखो, इसमें ये केंद्रक है। सबसे पहले तो आपका केंद्रक ही अपनी वृद्धि करेगा। सबसे पहले तो केंद्रक क्या करेगा? वृद्धि करेगा। ये केंद्रक ने वृद्धि करी, ठीक है। फिर यहां पर आपके दो कशाबिका भी बन जाएंगे, यहां पर आपके दो कशाबिका भी बन जाएंगे, ठीक है। चलो पूरा ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। फिर उसके बाद में अब देखो, अब क्या होगा? देख लो, ठीक है, विभाजन कैसे चल रहा है? ऐसे एक केंद्रक इधर चला गया, एक केंद्रक इधर चला गया, ठीक है। ये आपका विभाजन हो रहा है, और एंड में आप देखोगे ना, और एंड में क्या होगा? ये दोनों अपने अलग हो जाएंगे, जब ये दोनों अलग हो जाएंगे तो दो युगलिना बन जाएगी। देखो बेटा, डिटेल में कोई नहीं पूछेगा आपसे,
डिटेल में कोई नहीं पूछेगा अमीबा में विभाजन कैसे होता है करके बताओ, नहीं, बस मैं आपको एज ए नॉलेज बता रही हूँ ताकि आगे जब हम पढ़ें तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो हमने क्या देखा, हमने देखा लंबवत विभाजन, हमने क्या देखा लंबवत विभाजन। अब ऐसा विभाजन जो लंबाई के लंबवत होगा, मतलब ऐसे, ठीक है, ये युगलीना थी, पहले केंद्रक विभाजन हुआ, केंद्रक विभाजन के बाद सिर्फ ये से डिवीजन हुआ और एंड में दो युगलीना बन गई। देख लो डायग्राम में, डायग्राम में देखो, ये आपकी मैच्योर युगलीना है, ये आपकी मैच्योर युगलीना है, और याद रखना युगलीना में एक ही फ्लैजिला होता है, ठीक है, एक ही होता है। वहीं अब सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन करना स्टार्ट किया, दो न्यूक्लियस बन गए, ऊपर से देखो डिवीजन होता जा रहा है, फिर ये फिजन पॉइंट हुआ और एंड में दो डॉटर युगलीना आपकी बन गई। तो देखो क्या बोला गया है, जब किसी जीव में लंबाई के लंबवत, ठीक है, लंबाई के लंबवत तल में विभाजन हो, जब किसी जीव के लंबाई के लंबवत तल में विभाजन हो और दो जीवों का निर्माण हो, उसे लंबवत द्विविखंडन बोलते हैं। युगलीना में लंबवत तल से विभाजन के फलस्वरूप दो पुत्री युगलीना बनते हैं। सर्वप्रथम केंद्रक विभाजन होता है और इसके पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन। इसके पश्चात क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन। बताओ क्लियर है तो थम्स अप का साइन दे दो, फिर अपन अनुप्रस्थ विखंडन स्टार्ट करते हैं। चैट में बताएंगे सभी लोग मुझे, जल्द ही शुरू होगा, ठीक है, परेशान मत हो ज्योति। क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, एंड में मैं रिपीट कर दूंगी शुरू से, परेशान मत हो। इसका एग्जांपल पैरामीशियम। अब एक और चीज याद रखना, जो आपका पैरामीशियम होता है इसमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं, पैरामीशियम में दो प्रकार के केंद्रक होते हैं। पहला होता है गुरु केंद्रक, जो बड़ा केंद्रक होता है, और दूसरा होता है लघु केंद्रक। चलो आ जाओ समझ लेते हैं युगलीना का, ठीक है, इसके चारों तरफ सीलिया मिलते हैं आपको ऐसे, सॉरी पैरामीशियम है ना ये। तो सबसे पहले इसमें केंद्रक विभाजन होगा, केंद्रक अपनी कॉपी बनाएगा, ठीक है, ये मान लो आपका गुरु केंद्रक है, गुरु केंद्रक, ये आपका लघु केंद्रक है। तो सबसे पहले केंद्रक अपनी कॉपी बनाएंगे, लघु केंद्रक ने अपनी कॉपी बनाई, गुरु केंद्रक ने अपनी कॉपी बनाई। अब कॉपी बनाने के बाद में केंद्रक शिफ्ट होंगे आपके, अब क्या होगी, केंद्रक शिफ्ट होंगे आपके, ये आपका जो केंद्रक है
शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें डिवीजन होगा ऐसे। फिर कुछ देर बाद में आप देखोगे दो युगलीना बन जाएगी, सॉरी दो पैरामीशियम। अब विभाजन कैसे हुआ? गई, देख लो, वापस समझ लो। ये युग पैरामीशियम है, इस पैरामीशियम में ये बाहर सीलिया है, इस सीलिया की मदद से ही ये गति करता है और भोजन को ग्रहण करता है। अब इस पैरामीशियम में दो प्रकार के केंद्रक है, गुरु केंद्रक और लघु केंद्रक। सबसे पहले इसमें केंद्रक अपनी कॉपी बनाते हैं, गुरु केंद्रक ने गुरु केंद्रक की कॉपी बनाई, लघु केंद्रक ने लघु केंद्रक की कॉपी बनाई। उसके फलस्वरूप केंद्रक का ट्रांसफर होगा, ये केंद्रक एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ चला जाएगा। फिर ऐसे डिविजन होगा और दो पैरामीशियम आपके बन जाएंगे। डायग्राम में देख सकते हो, आप डायग्राम में देख सकते हो, अच्छे से देखो डायग्राम में और बताओ। बिल्कुल सब कुछ रिपीट कर दूंगी, सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे फटाफट। ठीक है प्राची, है ना, मैं बता दूंगी आपको बात करके, बट मोस्ट ऑफ दी अपलोड हो जाएगी, परेशान मत हो, है ना। हाँ जी, ठीक है। बायो की तो आप बना लेना, परेशान मत हो, ठीक है। अभी तो फोर्स 4.0 स्टार्ट हुआ है, तो इसकी बनाओ, ठीक है। नीट वाली अलग कॉपी बनवा दूंगी मैं, परेशान मत हो। ठीक है, हाँ जी, अब देख लो, कुछ नहीं है, ये पैरामीशियम है, इसमें दो देखो, एक माइक्रो न्यूक्लियर एक मैक्रो न्यूक्लियर। माइक्रो मतलब लघु केंद्रक और मैक्रो मतलब दीर्घ केंद्रक। केंद्रक डिवाइड हुए हैं, फिर उसके बाद में दो युग पैरामीशियम बन गई। तो यही देखो क्या बताया, किसी जीव में यदि विभाजन उसकी लंबाई के अनुप्रस्थ अक्ष पर, विभाजन लंबाई के अनुप्रस्थ अक्ष पर हो और दो बराबर भागों में विभक्त हो जाए तो उससे पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करे, यह अनुप्रस्थ द्विविखंडन कहलाता है। पैरामीशियम में दो प्रकार के केंद्रक होते हैं, गुरु केंद्रक व लघु केंद्रक। केंद्रकों में सूत्री विभाजन मतलब समसूत्री विभाजन, जिससे प्रत्येक केंद्रक की दो पुत्री केंद्रक बन जाते हैं। तत्पश्चात पैरामीशियम में लंबाई के अनुप्रस्थ दिशा में विभाजन होने से कोशिका द्रव्य द्वारा दो पुत्री को पैरामीशियम बन जाती है। बताओ, चलो एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ, परेशान मत हो, ठीक है। चलो तो हम लोग बात कर रहे थे अलैंगिक जनन की, ठीक है, स्टार्टिंग से रिवाइज कर रही हूँ, अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो अलैंगिक जनन क्या होता है, जब एकल जीव ने क्या करा, अपने समान नई संतति उत्पन्न कर दी, एक सिंगल पेरेंट ने अपने सिमिलर नई संतति उत्पन्न कर दी, उसको आप क्या बोलोगे, अलैंगिक जनन बोलोगे। अलैंगिक जनन समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, ऐसा विभाजन जिसमें जनक और संतति बिल्कुल एक दूसरे के समान होती है। फिर हमने देखा अलैंगिक जनन एकल कोशी के जीवों में होता है, जैसे कि मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत के जीव। पादपों में भी होता है, अब एक चीज याद रखो, पादपों में लैंगिक जनन भी है अलैंगिक जनन भी है। अगर पादप में जड़ तना पत्ती के द्वारा जनन हो रहा है तो उसको अपन लैंगिक जनन बोलेंगे, और वही पादप में किसके द्वारा, पुष्प के द्वारा जनन हो रहा है तो उसे अपन लैंगिक जनन बोलेंगे। और निम्न श्रेणी के जंतुओं में भी अलैंगिक जनन आपका होता है,
फिर हमने बात करी क्लोन क्या होता है। सबसे पहली बात तो क्लोन जो है आपके अलैंगिक जनन से बनते हैं, और अलैंगिक जनन से जो जीव बनते हैं आकारिकी मतलब बाहर से देखने पे, और आनुवंशिकी मतलब जेनेटिक रूप से उनका डीएनए बिल्कुल सिमिलर हो, उसको अपन क्या बोलते हैं अलैंगिक जनन बोलते हैं। ठीक है, फिर अपन ने बात करी अलैंगिक जनन के प्रकार की। सबसे पहला है विखंडन। अब विखंडन भी दो प्रकार का है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। फिर आता है मुकुलन, फिर आता है बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन, फिर आता है पुनरुद्भवन, और फिर आता है कायिक जनन। कायिक जनन क्या है? अगर पादप में अलैंगिक जनन हो रहा है तो अपन उसको बोलेंगे कायिक जनन। क्या प्रॉब्लम आ रही है पटेल शालिनी? फिर हमने बात करी सबसे पहले विखंडन। नाम से समझ में आ रहा है विखंडित होना, टूट जाना। तो जब कोई जीव दो टुकड़ों में टूट गया या फिर दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट गया और हर एक टुकड़े ने नया जीव बना लिया, उसको अपन ने बोला द्विविखंडन। तो द्विविखंडन देखो, जब भी कोई जीव है इस जीव में विभाजन हुआ तो विभाजन दो प्रकार से हो सकता है। वह जीव या तो दो भागों में विभक्त हो सकता है या दो से अधिक भागों में विभक्त हो सकता है। अगर जीव दो भागों में विभक्त हो रहा है और प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण कर रहा है तो उसे अपन द्विविखंडन बोलेंगे। और वहीं अगर जीव दो से अधिक टुकड़ों में विभक्त हो रहा है और प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण कर रहा है तो उसे अपन बहुविखंडन बोलेंगे। द्विविखंडन किसमें होता है? अमीबा में, युगलीना में और पैरामीशियम में। युगलीना में कौन सा द्विविखंडन होता है? लंबवत। और इसमें अनुप्रस्थ ठीक है। वही बहुविखंडन किसमें होता है? अमीबा में। कब होता है? प्रतिकूल परिस्थिति में। ये इंपॉर्टेंट है कि अमीबा अगर अनुकूल परिस्थिति है, फेवरेबल कंडीशन है तो द्विविखंडन होगा, वही प्रतिकूल परिस्थिति है तो बहुविखंडन होगा। तो ये हमने पढ़ लिया है, ये हम कल पढ़ेंगे ठीक है। फिर हमने देखा द्विविखंडन क्या होता है, द्विविखंडन किसमें होता है, मतलब विखंडन किसमें होता है? एकल कोशिकीय जीवों में होता है। कोशिका दो टुकड़ों में विभक्त हो जाती है, दो बराबर भागों में, कोशिका दो बराबर भागों में विभक्त होती है और प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण करता है, जैसे कि अमीबा में। फिर हमने देखा क्या लंबवत द्विविखंडन किसमें होता है? युगलीना में। क्या किसमें होता है? युगलीना में। लंबाई के लंबवत इस तल पे विभाजन हो रहा है, इस तल पे विभाजन हो रहा है और दो नए जीव बन गए हैं। वहीं अगर विभाजन इस प्रकार हो रहा है तो अनुप्रस्थ कहलाएगा। अब हमको पढ़ना है बहुविखंडन, और बहुविखंडन अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ठीक है। अब अपन को क्या पढ़ना है? बहुविखंडन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुविखंडन ठीक है। ये अमीबा का डायग्राम है, ये क्या डायग्राम शो कर रहा है? अमीबा में बहुविखंडन। देखो अमीबा में जब बहुविखंडन होता है तो सिस्ट का फॉर्मेशन होता है ठीक है, और कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा। बहुविखंडन दो जीवजनों में होता है, एक होता है अमीबा में और दूसरा होता है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम अपने काम आएगा चैप्टर नंबर 7 मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले में ठीक है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से क्या होता है? मलेरिया, वहां पर काम आएगा। बताओ आज की क्लास के कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? दिग्विजय बढ़िया बेटा, आगे ऐसे अच्छे से पढ़ाई करते रहो। छूट जाता है, पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगा एप्लीकेशन पे, वहां से आप पूरा कर सकते हो, परेशान मत हो ठीक है। हाँ जी क्लियर है, देखो बेटा जितना रिक्वायरमेंट था उतना मैंने आपको पढ़ाया है। ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर अपन जाएंगे तो वो कोई मतलब का नहीं है
ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा जाएंगे, ज़्यादा डीप में जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, स्मार्ट स्टडी करेंगे, ठीक है, स्मार्ट स्टडी करेंगे। चलो जी, तो ख़त्म करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्लास के बाद में आप सभी लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। साथ ही साथ कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ये भी आपको बताना है कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।